यस, आ रही स्क्रीन सामने? तो यस सर, आ रही। मैंने वहां पे यूज किया था होवर। तो इस तरह की टेबल को होवरेबल टेबल बोलते हैं। छोटे क्वेश्चंस में अक्सर पूछा जाएगा कि ये क्या चीज है और इसके टेबल में। इस टेबल की खासियत ये है कि जब हम रो को माउस के पॉइंटर को रो में स्क्रॉल करते हैं या रो को ऊपर नीचे मूव कराते हैं, नेविगेट करते हैं, तो उसका कलर चेंज होता है। यही था होवर के अंदर, होवरेबल के अंदर। तो इसको छोटे उसके अंदर से देख लीजिए। हम 103 को डैश करते हैं। फोर हमने टेबल की विड्थ दे दी। पिक्सल, नॉट परसेंटेज। उसके बाद बॉर्डर कोलैप्स रहेगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। उसके बाद TSTD का सिर्फ बॉर्डर बॉटम हम दे रहे हैं। चाहे पैडिंग वगैरह नहीं देते हैं, बॉर्डर बॉटम ठीक है। 1 PXL सॉलिड पर्पल दीजिए। अब यहाँ पे अगला है TR, और ये होवर को हमें डिफाइन करना है। होवर को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे आप कोलन का इस्तेमाल करेंगे, TR, क्योंकि ये क्लास क्लास तो है नहीं। डॉट हम लोग रूटीन लगा रहे थे, डॉट तो हमेशा क्लास के लिए डिफाइन होता है, ऑलवेज हमेशा ध्यान दीजिएगा। TR हमने दे दिया था होवर, जिसका मतलब हुआ कि ये क्लास डिफाइन है होवर नाम का, जबकि और वो होवर नाम का क्लास वर्क करेगा टेबल की रो में। तो यहाँ पे ये डॉट नहीं है, ये कोलन है। क्या होगा, यानी कि जब उसके ऊपर जाएगा तो बैकग्राउंड कलर चेंज होगा, और क्या चेंज होके होगा, रेड मान लीजिए। नेक्स्ट हम डिफाइन करें TD और TH। इसके अंदर हमारी हाइट है, हाइट आप यूज करी नहीं है, लेकिन हाइट यहाँ पे यूज कर हम सकते हैं 50 PX, और वर्टिकल अलाइन यूज कर लेते हैं बॉटम। तो मैं कर्ली ब्रैकेट यहीं पे करके लिख रहा हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपको पता ही है। बट CSS में लिखने का तरीका ये होता है, डिक्लेरेशन को हम ये करते हैं एंड कर्ली ब्रेसेस एंटर करते हैं। तो उसके बाद सारे प्रॉपर्टी या वैल्यूज लिखते हैं। प्रॉपर्टी ये है, यहाँ से यहाँ तक प्रॉपर्टी, और ये है वैल्यू। उसके बाद क्लोज, और अगर आप एक ही लाइन में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जाम में अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सबको मालूम है बहरहाल। लेकिन लिखने की एक आदत बना लीजिए, जिस तरह से कर रहे हैं। एग्जाम में आपके पास कॉपी है अगर, तो आप पूरे लंबा चौड़ा लिखिए, कोई जरूरी नहीं कंजूसी में लिखने की। अगर आपके पास स्पेस नहीं है तो आप ऐसे लिखिए, आपके ऊपर है। आज लोग एक तो पूछने लगे मुझसे स्टूडेंट की पर लिखने का, थोड़ा कॉपी में लिखने का तरीका थोड़ा सा बताएं, कैसे हम लोग कॉपी में लिखा जाए एग्जाम में, उसको बेहतर तरीका क्या है, स्कोरिंग नंबर कैसे होगा। तो वो ठीक है, तो अब ये आते हैं 104 फाइल पे। ये हमारा फेवरेबल टेबल बना। अब हम जैसे माउस का पॉइंटर देखिए वहां लेके जा रहे हैं, होवर कर रहा है, यानी माउस का पॉइंटर जहां पे जा रहा है उसका बैकग्राउंड कलर हमने रेड डिफाइन किया, वो आ रहा है। तो दिस इज फेवरेबल, और ये होवर आप पैराग्राफ पे भी कर सकते हैं। सिंपल एक पैराग्राफ का कोई पेज बना रहे हैं मान लीजिए, और वहाँ पे कहीं हेडिंग है, या कोई अलग अलग कई तरह के पैराग्राफ है, पैराग्राफ 1 2 5 पैराग्राफ, और चाहते हैं आप
हर पैराग्राफ पे जब माउस का पॉइंटर जाए तो बैकग्राउंड का कलर कुछ चेंज हो जाए, लाइट पिंक हो जाए, लाइट इसका और लाइट ब्लू हो जाए, वगैरह वगैरह सेम चीज है। तो होवर को आप डिफाइन करेंगे, यहाँ पे होवर डिफाइन है टी आर में, यानी हर रो पे जब भी माउस का पॉइंटर वो जाएगी तो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। और पहले से इसका कोई कलर डिफाइन कर दें, इसका कलर डिफाइन कर दें, तो वो जो है उसका वही रहेगा और बाकी तो चेंज होगा। तो ये हो गया फॉगेबल टेबल। अब इसको सेव एज करते हैं, फिर से मैं बार बार सेव एज कर रहा हूँ क्योंकि वो आसानी से उतना फिर टाइप ना करना पड़े। क्विकली बता दें आपको 105, ये हम बता रहे हैं स्किप टेबल। स्किप टेबल में क्या है, आप सबसे पहले यहाँ पे टेबल को डिफाइन करिए, बॉर्डर ब्लैक कर दिया, बट 100% दे दिया, पिक्सल दे दिया, हम 100% दे रहे हैं, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वो जो बात हुई होगी बस चेंज कर रहा हूँ मैं, थोड़ा अलग ही जैसा ना। नेक्स्ट है TSTD, और TSTD में पैडिंग, पिक्सल टेक्स्ट अलाइन, एक देखिए यहाँ पे ऑप्शन और भी हो, टेक्स्ट शेडो भी होता है जो आप इसके नहीं है, अलग अलग वर्जन में टेक्स्ट अलाइन। उसके बाद में TR, और यहाँ पे हम यूज करेंगे एक वो जो तरीका था एंड चाइल्ड का, ठीक है, इसको भी ऐसे लिखते हैं कि आप कोलम का भी वो इसके ऊपर अप्लाई होगा, और हमें किस चीज पे ये करना है, इवेंट पे। और उसका बैकग्राउंड कलर हमने ले लिया ग्रीन, यानी एवरी इवेंट रो, एवरी इवेंट टेबल रो चेंज द बैकग्राउंड विद ग्रीन कलर, ये हटा दीजिए। ठीक है, ये आया टेबल, और इसका देखिए आप इवेंट पे ये कलर इसका चेंज हो गया। मैं इसको थोड़ा सा और एवरी इवेंट अब ऑड कर दें तो वो हो जाएगा ऑड और इवेंट, क्या चीज यहाँ पे काम नहीं कर रही है, बॉर्डर कोलैप्स टेबल का हो गया। हम लोग वो नहीं दे रहे हैं ना, कोलैप्स तो कर दिया है बट TSTD पैडिंग आ रही है, टेक्स्ट अलाइन भी आ रहा है, कुछ तो नहीं आ रही हमारी।
ये तो आ रहा है, देखो भी आना चाहिए ना। जगह अगर हम करते हैं केबल की का बॉर्डर यूज कर लेते हैं, ये यूज कर लेते हैं, ये है हटा देते हैं इसका वो कमेंट बॉर्डर जो है सॉलिड ग्रीन, ये रेड करते हैं क्योंकि ग्रीन तो वो आ ही रहा उसके अंदर, उसको रेड। अब ये आ रहा है, तो ये कहलाता है स्टिप टेबल। यानी आपने पहले ही से एक उसको डिफाइन कर दिया कि एवरी ऑड और एवरी इवन, अगर यहाँ पे इसको इस ऑड कर दें ऑड, एवरी ऑड 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एक्सेट्रा सो ऑन, और ऑड कर दिया इवन कर दिया तो वहां पे ये हो गया। तो ये एक है स्टेप टेबल, इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट आ जाइए इसके अंदर एक टेबल और डिजाइन का, उसके अंदर हम दे रहे हैं बॉर्डर कोलैप्स कर दिया विथ 100%। उसके बाद टी एच टी डी एक्स लाइन लेफ्ट पैडिंग दे दिया ये, और ये रहने देते हैं बैकग्राउंड कलर को दे दिया, और एक और देते हैं इसके अंदर टी एच, टेबल का हेडर हम अलग तरीके से वो कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, यहाँ पे हैश वैल्यू कुछ भी दे दिए, हैश वैल्यू में तो कुछ भी यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, कोई ना कोई कलर ले लेता है 0, 4, 8, 8, 8। उसके बाद कलर यानी ये होगा बैकग्राउंड कलर, और उसके ऊपर कलर यानी कि जब टेक्स्ट लिखा आएगा उसका कलर कुछ और, हमने दिया वो व्हाइट, ये जो कलर हो उसके ऊपर टेक्स्ट हमारा व्हाइट होगा। और ये बैकग्राउंड ये जो टी आर ये रहेगा टेबल का ऊपर भी रहने दीजिए, चाहे तो ऑफ कर लीजिएगा बाद में, ये जो है कमेंट करके Table 106 ये है। ये हमने पहले से वो दे दिया तो ऑड वाला जो है वो नीचे अप्लाई होगा, ये नहीं। तो हेडर का अलग, जाहिर की बात है हेडिंग पे आपको नहीं चाहिए, जो ऑड इवन हम ऑड और इवन डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रिप में, इसका एकदम अलग चाहिए भाई, हेडिंग है ये और बाकी पे अप्लाई हो, तो उसको आप टी एच में ऐसे डिफाइन कर लीजिए कि बैकग्राउंड कलर ये होगा, उसके ऊपर कलर ये वाइट होगा, और बाकी अगली ऑड पे ये अप्लाई होगा। ये आपका कलर्ड टेबल की कैटेगरी में आया था कि आप कलर्ड टेबल बना रहे हैं, ठीक है कलर टेबल। और ये आप बहुत यूज करेंगे जब आप इस तरह के पेजेस आगे, आप लोगों में से कोई हो सकता है वेब डिजाइनर बने, आजकल बहुत स्कोप है इसके अंदर, हर चीज की तो वेबसाइट बन रही है और हर जगह जो है डिजाइनर भी जो है, तो ये सारी जो आपकी बोलते हैं क्रिएटिविटी, आपकी जितनी भी ये क्रिएटिविटी होगी वो सब जो है इसमें काम आएगी। तो ये अगला टेबल और एक लास्ट टेबल और देख लीजिए, तो उसके अंदर क्या है
107। इसका हम टेबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम पहले लगा देते हैं कमेंट। बट थंडर, ये थंडर देते हैं 600 px, बॉर्डर कोलैप्स कर देते हैं और टेक्स्ट अलाइन भी दे देते हैं, एंटर। क्या टेबल ये वो डिफाइन करते हैं, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट कर दिया, लास्ट को भी सेंटर करते हैं और पैडिंग दे दिया 8 px। तो टेबल का ये डिफाइन किया, बैकग्राउंड कलर पिंक कर दिया यहाँ मान लीजिए। और ये जो चीज ये हम बना रहे हैं, ये इसके अंदर क्या चीज है, ये जब आउटपुट आएगा तो देखिएगा, पिंक कर दिया। फिर TH में हमने बैकग्राउंड कलर पर्पल किया और कलर वाइट कर दिया। एक नया जो है डिक्लेरेशन इसके अंदर जो यूज होगा वो होगा डिव। ये किस लिए यूज होगा पहले मैं इसको बना देता हूँ, फिर आपको। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो और ओवरफ्लो में भी हम यूज करेंगे, ओवरफ्लो एक्स एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस पे क्या होगा, ऑटो ऑटोमेटिक। और ये हमारा डिप का क्लोज हो गया, ये ओवरफ्लो एक्स, ये जो एक्स लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे। अब एक्स एक्सिस और ये इसका क्या आउटपुट होता है वो जा देखते हैं। अब आते हैं यहाँ टेबल स्टार्ट करने से पहले, पूरे टेबल पे डिप अलाइन आपको अप्लाई करना है, तो टेबल के ठीक पहले डिप को यूज करेंगे। आसिफा, जी आप डिप का पूछ रही थी ना, तो डिप का देखिए एक इस्तेमाल यहाँ पे भी जी है। डिप का इस्तेमाल एचटीएमएल से ज्यादा सीएसएस में है, इसलिए मैंने बोला था ये आपने एचटीएमएल का वो किया नहीं था, इसलिए वो देखते थे। तो डिप हमने यहाँ पे यूज किया, स्टार्ट किया, और टेबल जहाँ हमारा खत्म हो रहा है ये हमारा डिप क्लोज हो गया। और टेबल के अंदर हम जो है कम से कम जो हेडर हमारा है वो कम से कम इतना रो दीजिए कि आपकी स्क्रीन पे ना आए। तो यहाँ पे जो लोग लैपटॉप पे कर रहे हैं वो इजीली समझ जाएंगे, जो मोबाइल पे कर रहे हैं उनको कहीं और टाइप करके वहाँ सोर्स कोड में पेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतना गुल वहाँ पे टाइप कॉपी पेस्ट मोबाइल में करना वैसे भी बड़ा वो रहता है। 20 हेडर दीजिए, 4 4 8 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 20, ठीक है। और यही चीज यहाँ पे भी होगी, या दायर की बात उसी का जो देता होगा, यही हम उठा के कॉपी पेस्ट कर रहे हैं सबके ऊपर। यानी ऐसा टेबल यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा डेटा, आपको पता होगा एक स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड बनाना, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, क्लास, जी उसके बाद उसका आधार कार्ड नंबर, वोटर आईडी नंबर, अकाउंट नंबर,
रिलीजन, कास्ट और फोन नंबर और मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस और ब्लड ग्रुप और वगैरह 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 वगैरह। तो ये जो इतनी फील्ड हो, अगर टेबल इस तरह का बनाना हो तो टेबल का क्या आउटपुट होता है? टेबल नंबर 107, ये टेबल ऐसे आएगा। देखिए क्योंकि हमारी स्क्रीन अभी यहाँ पे है जगह, इसलिए स्क्रीन आ गई, लेकिन जब कभी कोई लैपटॉप में छोटा वो होगी तो मैं रुकिए और बना देता हूँ एक और। एक दो तीन पाँच छ सात नौ 10 हेडर और बना देता हूँ। अब देखिए इसका आउटपुट, आप देखिए एक स्क्रॉल बार क्रिएट हो गया। क्योंकि टेबल इतना फील्ड ज्यादा हो गई तो इसी विंडो के अंदर जहां तक टेबल है वहां पे ये नीचे स्क्रॉल नहीं है, आप देखते हैं दाएं बाएं स्क्रॉलिंग होती है, ये देखिए ये स्क्रॉल क्रिएट हो गया। और ऐसा मोबाइल पे भी होगा जो लोग मोबाइल पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि एक्स एक्सिस पे व्हेन यू यूज लास्ट टेबल विद मैक्सिमम हेडर्स फील्ड अलोंग विद टी डी, जाहिर की बात है उसी के अकॉर्डिंग टी डी भी होगी, हेडर फील्ड ज्यादा हो गई। आप देखिए इतना ज्यादा मैंने बोला ना, मैं तो वही कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये क्रिएट हो गया। और ये क्रिएट किस लिए हुआ? बिकॉज ऑफ दिस। अगर ये नहीं देते तो वो इस तरह का नहीं बनता। ओवरफ्लो ऑटो ऑटोमेटिक ये इस तरफ। तो ये एक एग्जांपल है। जनरली इस तरह का टेबल बहुत ही ज्यादा जहाँ पे डेटा एनालिसिस का काम होता है, कोई साइट पे रिसर्च वगैरह, वहीं पे इस तरह के टेबल होते हैं। जनरली हम जो साइट विजिट करते हैं वहां पे इस तरह के टेबल नहीं होते हैं। तो ये है आपका लॉन्ग मैक्सिमम हेडर फील्ड। अ टेबल कंसिस्ट विद मैक्सिमम हेडर फील्ड, सो यू कैन ओवरफ्लो ऑन एक्स एक्सिस हॉरिजेंटल बार अपीयर्ड क्रिएटेड करस्पॉन्डिंग टू टेबल। ये जितना होगा टेबल इधर, ताकि आप इधर उधर करके देख सकें। जनरली आप देखिए पेज, अब इसके नीचे अगर कंटेंट हो तो कंटेंट नॉर्मल होगा, बट टेबल के अंदर बार होगा। आप ये करके देखिएगा, नीचे नॉर्मल टेबल नॉर्मल कंटेंट जैसे रहता वो रहेगा। कुछ पैराग्राफ अभी क्योंकि हम यहाँ पे कुछ पैराग्राफ दे ही देते हैं, यहाँ से मैं लेता हूँ। टेबल यहाँ खत्म हो रहा है, मार दिया हमने, ये हमारा यहाँ पे हमने पैराग्राफ किया। थोड़ा बड़ा कर दिया पैराग्राफ लैंग्वेज को। आप देखिए नॉर्मल तो हमारा कंटेंट वैसे ही रहेगा, यहाँ पे ये आपका हॉरिजॉन्टल बार वो तो पेज बड़ा होगा, लेकिन टेबल के लिए देखिए ये जगह स्पेशली इसने अलाउ कर दी आपको। ठीक है, क्लियर?
आ रहा है समझ में? शिवांगी, सर इसका कलर तो नहीं चेंज होगा ना, इसका क्यों चेंज खराब होगा? इस पे क्यों, इस पे कहाँ अप्लाई कर रहे हैं? शिवांगी, हाँ सर। शिवांगी समझ में आ रहा? हाँ आ गया। ये पीछे किसकी आवाज आ रही है ज्यादा? शिवांगी बताओ। हाँ सर आ गया। हाँ सर बस, तो दोनों का फर्क समझ गया ना? तो ये है समझ। आपका टेबल के अंदर ऑटो फ्लो का जो एक्स एक्सिस पे। तनु अभी ज्वाइन किया क्या? कहाँ यस सर अभी जस्ट। आप गए थे? पिछले क्लास में भी नहीं किया आप? सर अभी आज तो सर अभी कुछ टाइम पहले मैं हुई थी ज्वाइन, फिर सर नेटवर्क एकदम अचानक से गायब हो गया था, फिर अभी अभी आया तो अभी आया। लास्ट क्लास भी आपने नहीं किया था। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया ना? श्रेया, यस एमन, अंशिका, आसिफा, मैविश, मरियम, सर पूर्णिमा, शफक, यस सर आ रहा है, आ गया। चलिए ठीक है। तो ये आपका टेबल हम जो है आज खत्म कर दिए। एक दो टेबल हल्का फुल्की कुछ चीजें वो बीच में कभी नहीं होगा तो बदला देंगे। ठीक है, तो आपका कायदे से यहाँ पे टेबल आज खत्म। अब इसके अंदर बचा हुआ है, तीन चीज बची हुई है सीएसएस में। एक बचा हुआ है पोजीशनिंग, एक बचा हुआ है इमेज गैलरी, और एक बचा हुआ मीनू। बस इसके बाद सीएसएस खत्म हो जाएगा। मीनू यानी पोजीशनिंग, हमारे टेक्स्ट की पोजीशनिंग। कोई पैराग्राफ है उसको हम क्या पोजीशनिंग, और पोजीशनिंग उतना ज्यादा यूज नहीं होती बट है सिलेबस में। इमेज गैलरी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर वेबसाइट पे एक इमेज गैलरी होती है। और मीनू, मीनू आप जानती हैं, कोई चीज अलग अलग मीनू के अंदर सारे ऑप्शन खुलते हैं। तो ये तीन चीज बची हुई है, पोजीशनिंग और इमेज गैलरी। ये तीनों बड़ी टॉपिक है तो तीनों शायद एक एक दिन लेगा। हो सकता है इमेज गैलरी ज्यादा ले, पोजीशनिंग तो हो जाएगी एक ही दिन में, दोनों शुरू करेंगे तो मुश्किल है। मुश्किल से 3 दिन के अंदर उम्मीद है ये तीनों चीज अगले 3 दिन में खत्म हो जाएगी, अगला 3 क्लास जो भी होगा दिन। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चीज और आप लोग को बता दूं। खासतौर पर एचटीएमएल में जो लोग वैसे किए थे सब लोग, लेकिन पता नहीं मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा आपसे और एग्जाम में भी होगा कि ये जो दोनों स्टाइल और स्क्रिप्ट पुराने बैच की पूर्णिमा है। सबसे पहले मैं पूर्णिमा आपसे पूछूंगा, आप लोग पढ़े भी हो पीछे। आप ये बताओ, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज दिस, हम ये सवाल पूछें व्हाट इज दिस, क्या है ये, तो दोनों क्या चीज है? बताओ, देखें कुछ याद है भूल गया? याद सर अभी तो याद नहीं है। नहीं है। ये दोनों चीज अगर सामने आपके लिखा हो कि ये पूछा जाए कोई भी सवाल हो कि व्हाट इज दिस, तो इसका आंसर ये है, ये दोनों ही जो है एचटीएमएल के एलिमेंट हैं। इस एलिमेंट का इस्तेमाल होता है सीएसएस व्हेन यू ऐड सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। एवरी कोड आपने सबने देखा इतने दिन के, सब कुछ हम स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं। अगर इसके अंदर ना लिखें तो वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगी। बट ये स्टाइल है क्या? ये स्टाइल एक तरह का एचटीएमएल एलिमेंट है जिसके अंदर हम सीएसएस के कोड को कोडिंग करते हैं। सेम इसी तरह स्क्रिप्ट भी एक एचटीएमएल एलिमेंट है जिसके अंदर हम आगे अगला जो आपकी टॉपिक है जावा स्क्रिप्ट उसकी कोडिंग करते हैं। तो बोथ आर एचटीएमएल एलिमेंट यूज फॉर सीएसएस एंड जावा स्क्रिप्ट कोडिंग, क्योंकि बिना एचटीएमएल के
आगे ये सब लैंग्वेज यूज ही नहीं हो सकती। आगे जितनी भी एडवांस लैंग्वेज आ रही है उनका बेस वो कहीं ना कहीं एचटीएमएल के अंदर ही यूज हो रही है, एचटीएमएल के साथ यूज हो रही है, एचटीएमएल की हेल्प के साथ यूज हो रही है। तो अक्सर ये कल मैं देख रहा था ये क्वेश्चन आया था कि एचटीएमएल एलिमेंट स्टाइल एंड स्क्रिप्ट आर ये था ट्रू फॉल्स में स्टाइल एंड स्क्रिप्ट आर एचटीएमएल एलिमेंट्स ये था ऐसे क्वेश्चन। स्टाइल एंड स्क्रिप्ट आर एचटीएमएल एलिमेंट। अब ये कंफ्यूज करने के लिए है इसलिए मैंने कहा आप लोग एक बार बता देते हैं सारे स्टूडेंट्स को। ये था ट्रू फॉल्स में, तो इसका आंसर यस ट्रू, ये कि दोनों एचटीएमएल एलिमेंट है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होंगे जैसे आप लोग कि नहीं ये तो सीएसएस में यूज होता है तो आप इसको फॉल्स कर देंगे ना, ये दोनों ही एचटीएमएल एलिमेंट हैं, ये यूज होता है सीएसएस की कोडिंग के लिए, यूज होता है जावास्क्रिप्ट की कोडिंग के लिए। तो आज मैं इसको फिर से एक बार मैंने कहा क्लियर कर देते हैं, आप लोग छोटी छोटी चीजें नहीं कर पाते हैं और छोटा क्वेश्चन में आता है कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरी चीज आप लोग को मैंने बताया था, ये मैं उनको आपका कल वो कर रहा था इनका एचटीएमएल में, तो इन्होंने पूछा था तो आप लोगों ने एंकर टाइप किया है और ये यूज होता है लिंक के लिए। लिंक होते हैं एक तो नॉर्मल लिंक, एक होता है एक्टिव लिंक, एक होता है विजिटेड लिंक। और जब सीएसएस यूज करेंगे तो एक हो गया फेवरेबल लिंक, ये उसमें नहीं था और मुझे याद आ रहा है शायद मैंने ये जिक्र तो किया था बट ये मैंने बताया नहीं था आप लोगों को, ये लिंक एक्टिव लिंक विजिटेड लिंक जिक्र तो किया था मैंने। अब सीएसएस के अंदर ये मैं तीन चारों चीजों एक साथ बता दूंगा और ये चारों चीज एक साथ करने के लिए आपको सिंपली एक लिंक करके पेज बनाना पड़ेगा और ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। आपको मालूम है जैसे मैंने ये अल्लामा शिबली नोमानी का पेज खोला और हमने गूगल में गए अल्लामा शिबली नोमानी टाइप किया और फिर सर्च किया ये आ गया, हम बैक जब जाएंगे तो आप देखिएगा ये लिंक जो हमारा ब्लू कलर है अंडरलाइन है इसका कलर चेंज हो गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। दिस इज अ इंडिकेटर दैट अ यूजर विजिटेड दिस पेज, विजिटेड लिंक का कलर चेंज हो जाता है, अनविजिटेड जिनको विजिट नहीं किया गया उनका कलर ये रहता है। इसके अलावा बाय डिफॉल्ट इस कलर का कोई भी लिंक होता है उसका कलर ब्लू होता है अंडरलाइन होता है। तो मैं जो अभी बता रहा था कि लिंक, तो लिंक का कलर जो है ब्लू है ये जो लिंक कलर है, फिर एक्टिव लिंक का कलर यानी जैसे हम माउस तक यहाँ के ले जाए ये चेंज नहीं हो रहा है। आप ये भी कर सकते हैं कि ब्लू दिख रहा है क्योंकि ये एक्टिव लिंक है, मतलब लिंक है, जब यहाँ पे ले गया तो ये एक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया तो अगर चाहते हैं इसका कलर चेंज हो तो आप वो डिफाइन कर सकते हैं, और एक बार विजिट कर लिया तो ये कलर चेंज हुआ ये, तो इसको डिफाइन करते हैं ए लिंक और वी लिंक एचटीएमएल में। ये मैंने बता चुका तो क्या था मैंने बताया नहीं था, है नहीं डिटेल में, लेकिन सीएसएस में इसको यूज करना एक बार वो बता देंगे। और तीसरा है फेवरेबल यानी कि वहां पे जब जाएंगे तो पूरा उसका कलर वो चेंज होगा। अब इसको कैसे करते हैं वो मैं बता देता हूँ। मैं यहीं पे टाइप कर रहा हूँ, ये मैंने दो तीन चीज वो ऐसे नोट की थी कि आपको जो है ये करके बता देंगे, लेकिन ये देख लीजिए इसको हम जाहिर सी बात स्टाइल के अंदर लिखेंगे क्योंकि सिर्फ के ही अंदर यूज करें स्टाइल। तो पहला आपने एंकर ए जो यूज करते थे लिंक,
रुकिए मैं इसको वहीं यूज करता हूँ, तो वो बना बनाया टाइम भी थोड़ा चाहिए। सेव एज, लिंक कंप्लीट कर देते हैं। मैं ये सारा कुछ बता देता हूँ। देख भाई मिट्टी में लास्ट हमारा है ओवर, और इसको हमने कर दिया इसको रेड कर दिया। एक्टिव काम चेंज